अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं क्लास 4 के साथ। तो आज जो है हम मॉड्यूल सीखेंगे, तो आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि मिस हिना किस तरह से हमें पढ़ाती हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे भी अच्छा कमा रहे हैं, हालांकि किस्मत की बात नहीं होती है, होती भी है लेकिन 70% आपकी एफर्ट्स की बात होती है कि आप कितना इनपुट दे रहे हैं अपना और कितने बच्चे पढ़कर आए। अथमति के हो बयान आ रही है। गुड जॉब। बढ़िया। अच्छा तो क्या पढ़ा होगा तुमने पूरा हफ्ते? हम थोड़ा सा बताएं समराइज करके। वेरिएबल्स पढ़े और असाइनमेंट बनाए। कितने असाइनमेंट बन गए आप लोगों के एवरेज? 3 मैम। जी सर कितने बने आपके? 22 असाइनमेंट बने। गुड। पहले प्राइवेसी पढ़ी सर आपने? नहीं पढ़ी आपने, ठीक है। इससे पहले कंप्यूटर से बैकग्राउंड है सर आपका? आईटी का है बस, थोड़ा सा है ना, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बैकग्राउंड नहीं होगा। राइट। व्हाट इज वेरिएबल, कौन बताएगा मुझे? हाँ बेटा बताइए जी, बताइए। ठीक है, यानी इन्होंने बताया एक कंटेनर है, यानी एक बॉक्स है या एक स्टोरेज बॉक्स है जिसमें हमारा डाटा स्टोर किया जाता है। किसकी शक्ल में? वेरिएबल की शक्ल में। हम क्या स्टोर करते हैं उसमें? वैल्यू स्टोर करते हैं, ऐसे ही है। वेरी गुड, डेफिनेटली। और कौन बताएगा? वैल्यू पीछे से क्यों बताना पसंद करेगा? वेरिएबल्स क्या होते हैं? हाँ बेटा बोलिए। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि हम अपने डेटा स्टोर किस तरह करवा लेते हैं। एक दफा हमें स्टोर करवा लिया, फिर दोबारा अगर हम वेरिएबल के नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास वेरिएबल। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं थ्योरी सारी। ठीक है, वेरिएबल हम किस तरह करवाते हैं स्टोर, कितने तरीके से करवाते हैं स्टोर, सब मिलके बोलें कितने तरीके स्टोर करवाते हैं? तीन तरीके से। कौन कौन से तीन तरीके हैं? हमारे पास जो है पहले बार में होता था, ऐसे ही है। yes, फिर हुआ ये कि एक्मा स्क्रिप्ट ने उसको न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवाई, किस नाम से? लेट और कॉन्स्ट। तो ऐसे इसको क्या मजबूरी थी जिसको वार को छोड़ के लेट और कॉन्स्ट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा? पहले मैडम कोड को कंपाइल पूरा करना पड़ा, उसके बाद वेब में आता था, अब जो है वहीं पे एरर शो करता है हमें। सर पहले हमें कोड लिख के कंपाइल करके लास्ट में वेब पे आने, वहाँ पे एरर्स आते थे, इश्यूज होते थे। अब ये है कि हमें यहाँ पे जो आसानी होती है वहीं पे एरर्स वगैरह शो कर देते। नहीं नहीं, ये तो आपने टाइप स्क्रिप्ट बताया ना, टाइप स्क्रिप्ट में क्या करते हैं? अच्छा, वार जो क्या करते हैं आपकी बात ठीक है, लेकिन आपने थोड़ा सा डायरेक्शन घुमा दिया आपको, इस तरह से सारा, लेकिन घूम गया। ठीक है, अब इन्होंने जो बात बोली काफी अच्छा ठीक है, लेकिन उन्होंने टाइम से जावास्क्रिप्ट के बारे में एग्जांपल दे दी। देखिए, वार को रीइंट्रोड्यूस करवाने का क्या मकसद था कि वार की जगह हम लेट और कॉन्स को लेकर आते हैं? इसका मकसद ये था कि वार में जो है वो वैल्यू भी रीसाइन हो जाती है और वेरिएबल रीडिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने माई नेम करके अपना नाम लिखा, मैंने फिर माई नेम करके नसीर लिख दिया, मैंने फिर माई नेम करके किसी और का नाम लिख दिया, तो ये क्या हो, सेम वेरिएबल में, मतलब सेम वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू डिक्लेयर हो रही है, और एक ही जगह बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास ना, तो जिसकी वजह से जो है ना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। मैं आपको बताया कि जब हम एक एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, हमारे पास डिफरेंट जो है ना टीम मेंबर्स उसको यूज कर रहे होते हैं, एप्लीकेशन में अपना आउटपुट दे रहे होते हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से होता ये कि उसको तो नहीं पता आपके कलीग को कि आप कौन सा वेरिएबल यूज कर रहे हैं। फिर जब वो कंपाइल होती थी ना, तो कंपाइलर से प्रॉब्लम होती थी इस तरीके से कि उसका भी वेरिएबल सेम, मेरा वेरिएबल सेम यहाँ पे आते थे, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, तो होता है स्क्रिप्ट लैंग्वेज में कि जो नीचे लिखा होगा ना वो एक्सेप्ट हो जाएगा, लाइन बाय लाइन चलती जावास्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है लाइन बाय लाइन चलती, स्क्रिप्ट मतलब ये होता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी, तो उसके फिर इस प्रॉब्लम के मद्देनजर जो है हमने लेट और कॉन्स को इंट्रोड्यूस करवाया, हमने मुराद दी है एक्मा स्क्रिप्ट जो थी हमारे पास 2016 की थी, तो उन्होंने जो है लेट और कॉन्स इंट्रोड्यूस करवाया। लेट और कॉन्स में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, अपन मुझे बताएगा? कॉन्स्ट में मैडम वैल्यू चेंज नहीं होता, पहले गर्ल्स से पूछते हैं यहाँ पे, फिर बॉय से पूछेंगे। ठीक है, हाँ जी गर्ल्स बताएं लेटर कॉन्स में क्या डिफरेंस है?
ठीक है, यानी कि लेट क्या कर रही है आपकी वैल्यू को रीअसाइन कर रही है, लेकिन जो वेरिएबल का नाम आपने रखा है वो चेंज हो सकता है? कॉन्स्ट में नहीं सर, नहीं हो सकता। आप लोग क्या कहते हैं, इत्तेफाक करते हैं इस बात से? यस मैम। ठीक है, तो लेट में क्या वही बात चला कि लेट में देखें आपके पास यहाँ पे लेट लिखा हुआ है, लेट फेवरेट कलर इज इक्वल टू ब्लू, यानी कि हमने फेवरेट कलर लिख दिया ब्लू और फिर उसके बाद हमने कंसोल प्रिंट भी करवा दिया कलर। ठीक है, हमारे पास हो गया। अब हमें पता चलता है कि नहीं, हमें जो है यहाँ पे क्या काम करना है, हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी, यानी कि फेवरेट कलर की वैल्यू हमें ब्लू नहीं चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए हमें? ग्रीन, ग्रीन वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फिर रीअसाइन कर दिया, हमने वैल्यू रीअसाइन, सेम वेरिएबल के नेम में वैल्यू को क्या कर दिया, रीअसाइन, रीअसाइन कर दिया वैल्यू को। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब कंसोल डॉट लॉग हमने दोबारा किया तो क्या आएगा हमारे पास, अब ग्रीन ग्रीन आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, वैल्यू को रीअसाइन किया, जो ग्रीन है वो क्या है हमारे पास, वैल्यू है, वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन आपको नजर आ रहा होगा नीचे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी ये सब पढ़ा चुके थे, केस सेंसिटिव बारे में जल्दी से बता दें, केस सेंसिटिव क्या होता है, पीछे वाले से सवाल है मेरा, आगे कोई नहीं बोलेगा, व्हाट इज केस सेंसिटिव? केमिल केस, स्नेक केस आई, केमिल केस, स्नेक केस आई, फोकल, केमिल केस, स्नेक केस, एक्ट्रियों कर, हाँ, फॉल्स केस, फोकल, ना ना, फॉल्स केस, आ, आ, फॉल्स केस, बताइए, बता भी लोग तो आवाज़ पास्कल केस, पास्कल केस, पास्कल केस, बताएं जिसको बताते जाए, पास्कल केस, इसी हाथ में पास्कल केस, आवाज़ तो आ नहीं रही मुझे यहाँ पे, कैमिल केस, स्नैक केस, पास्कल केस। और कौन बताएगा केस सेंसिटिव के बारे में क्या होता है? ये तो पता ही होगा ना, आप लोग पढ़ा तो होगा, तब बताए कैमिल केस, फिस्कल केस, स्नैक केस में कितने तरह की सेंसिटिव? तीन टाइप कितने तरह के होते हैं? तीन टाइप। नहीं, आपके लिए लीगल इलीगल क्या? वो तो बात की बात है ना, अभी हम पूछे केस सेंसिटिव, आपने वेरिएबल का नाम रखना है, तो वेरिएबल का नाम किसका रख सकते हैं आप लोग? तीन तरीके से लिख सकते हैं, पहला तरीका कौन सा है हमारे पास? कैमिल केस का। जैसे मुझे यूजर नेम बनाना है तो क्या करूँ कैमिल केस में? यूजर उसका सी कैपिटल और उसके बाद उसका नाम है, नहीं नहीं पहला नहीं आएगा, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में तो हो गया हमारे पास, सेकंड वाले में कैपिटल। यस मैम, इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से? बिल्कुल मैम। उसके बाद कौन सा हमारे पास? स्नैक केस। स्नैक केस, स्नैक केस में क्या करते हैं हम लोग? अंडरस्कोर। यूजर नेम में मैं कैसे लिखूंगी? यूजर अंडरस्कोर नेम केस। थर्ड में क्या है हमारे पास? पास्कल केस। पास्कल स्केल में, पास्कल केस में हम क्या करते हैं? दोनों कैपिटल, पहला दूसरा कैपिटल आएगा। यूजर नेम में यू भी कैपिटल होगा और सी भी कैपिटल होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। अच्छा जी, अब आ जाए लीगल इलीगल पे। लीगल इलीगल क्या होता है? ये जो लेटर अलाउ होते हैं हमारे पास वो लीगल है, कौन से लेटर? वेरिएबल बताने के लिए। ठीक है, डॉलर है और अंडरस्कोर और एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी, डॉलर अंडरस्कोर और एक्सक्लेमेटरी प्लस ये बस अंडरस्कोर कहाँ जाएगा फिर? एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए अलाउ बिल्कुल ठीक है, हम जो स्टार्ट होता है ना वेरिएबल, हम या डॉलर से कर सकते हैं स्टार्ट या फिर हम किससे कर सकते हैं? अंडरस्कोर से कर सकते हैं, अल्फाबेट से कर सकते हैं, डॉलर से कर सकते हैं, क्या हम नंबर से कर सकते हैं अपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट? ठीक है, अंडरस्कोर से कर सकते हैं? यस। ठीक है, एट द रेट से कर सकते हैं? नो। ठीक है, नो नो मैम, ये स्पेशल केस है। अंडरस्कोर वेरिएबल, अंडरस्कोर एग्जांपल कर सकते हैं? नो। क्यों? यस कर सकते हैं। ये दुनिया कंफ्यूज क्यों है? कर सकते हैं ना? यस मैम। नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं बता रही, मैं इम्तिहान ले लूंगी भी आप लोगों का, घुमा के सवाल पूछ लूंगी। परसेंटेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं? नो। के साथ स्टार्ट कर सकते हैं? नो मैम। ठीक है, और ये जो अलिम मद्दा शक्ल का है? नो मैम, नो मैम। इससे कर सकते हैं? नो।
और माय वेरिएबल एग्जांपल यस ठीक हो गया. स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग मतलब खाना वाना खा के और प्रोटीन की टैबलेट लेके फिर टाइपिंग करें. स्ट्रॉन्ग टाइपिंग डेटा टाइप बताना. डेटा टाइप बताते हैं. अच्छा चलिए बताएं डेटा टाइप कितने तरह की होती है? तीन वाले कितने आठ उठाए? चार वाले कितने आठ उठाए? चलो सब लोग जा गए माशाल्लाह. दोपहर यही फायदा होता है, दिन पूरी करके आते हैं. अच्छा चलिए स्ट्रॉन्ग टाइप में कौन कौन सी टाइपिंग होती है बताएं? स्ट्रिंग और नंबर एंड बूलियन एनी. स्ट्रिंग नंबर अच्छा गुड. चलो बताओ कि स्प्रिंग की एग्जाम्पल बताएं कैसे करेंगे. स्प्रिंग में क्या होता है? इनवर्टेड कॉमास में लिखते हैं. यस यस मैम. कुछ बच्चे से मुंह हिला लिप सिंक कर रहे हैं ऐसे ना फास्ट. बस ऐसे ना जैसे मुझे पता ही नहीं है बोले तो सही लिप सिंक करने से. इनवर्टेड कॉमास में बात है. अगर मैं लिखा यूजर नेम कॉलन, कॉलन को क्या कहते हैं? एनोटेशन कहते हैं. क्या कहते हैं कॉलन को? एनोटेशन. ठीक है यूजर नेम एनोटेशन और फिर मैंने लिख दिया स्ट्रिंग. तो उसके बाद मैं क्या करूंगी फिर? इन्वर्टेड कॉमास में दूंगी. और अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास में ना दूं तो क्या होगा? एरर आ जाएगा. अच्छा ठीक है. तो क्या होगा? स्ट्रिंग नहीं होगा ना तो एरर आ गया इसका मतलब. तो ये सही एग्जाम्पल जो लिखी हुई है आप ऐसे ही लिखते हैं हम लोग स्ट्रिंग को? यस मैम. ठीक है जी. Let you the name. अब यहाँ पे एरर आ रहे हैं. बताए कौन बताएगा मुझे क्यों एरर आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा है. एरर आ रहा है यहाँ पे एकदम. अब नीचे आ रहा है. नीचे नंबर ऐसी है. पहले एरर नहीं आ रहा. नीचे नंबर ऐसी है. स्क्रीन इतनी थी ना मैम. यही तो लगा हो क्या? नहीं नहीं मैम पहले दूसरा था. बड़ी थी. चीटिंग कर रही है. चीटिंग करती है. अच्छा बताओ अभी एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? नंबर की वजह से. ये नंबर है तभी. इन्वर्टेड कॉमास में लिखा तो मतलब क्या हुआ? स्ट्रिंग नंबर हुआ ना. लेकिन हमने क्या डिक्लेयर किया है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में? स्ट्रिंग. तो ये होती है माय स्ट्रॉन्ग टाइपिंग. क्या हमने एक दफा उसको बता दिया कि ये स्ट्रिंग होगा या ये नंबर होगा? समझ आ गई यहाँ तक आप लोगों को? यस. आगे चले. ठीक है यहाँ पे पढ़े एरर क्या लिखा है? भले सब मिलकर पढ़े. भले माय लेटर यूजर नेम इज स्ट्रिंग सर अमीन आलम यूजर नेम 20. टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग. यानी कि आप कह रहे हैं कि आपने स्ट्रिंग बोल के नंबर लिख रहे हो मतलब आपने. तो ये होशियारी नहीं करो. भले स्ट्रिंग ही तो स्ट्रिंग ही करो. ठीक है आगे चलते हैं. प्रिमिटिव डाटा टाइप्स. प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन सी होती है? पिरामिटिव डेटा टाइप. पिरामिटिव डेटा टाइप इनमें में घणी टाइप होंगी. यो अकेला ये पढ़े हो सी? ये पढ़ा था पिरामिड? यो न पढ़े हो. यो न पढ़े. ये कहाँ पढ़ा है पिरामिडिव? नल पढ़े थे ना. नल है वो बुद्ध जानो तो पढ़े थे. नल देखते हैं ये नॉन पिरामिडिव की बता रहे हैं. ये पिरामिडिव पिरामिडिव टाइप की कौन कौन सी आती है हमारे पास? उससे पहले ये है पिरामिडिव डाटा टाइप का चार जो शुरू से बताए थे. चार बड़े आवाज निकाल के बताए. स्ट्रिंग नंबर बुलियन एनी. क्या थी चार प्रिमिटिव डेटा टाइप आपके पास? स्ट्रिंग नंबर बुलियन डेटा एनी. आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप. अब सवाल आपसे कभी करूं कि व्हाट आर द प्रिमिटिव टाइप्स तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रिंग नंबर बुलियन एनी. सही याद हो गया? यस मैम. अब यहाँ पे देखिए चारों एग्जांपल हमें दी गई है यहाँ पे कि हमें चार टाइप डिक्लेयर कैसे करनी है. कुछ भी नहीं करना आपने. यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग के अंदर इनवर्टेड कॉमास में आ गया. नंबर आपके पास किसमें आ गया? इंटीजर नंबर में आ गया. बूलियन में क्या आया आपके पास? वो आप लोगों को याद होगा ऐसे ही है ना. और ये जो एनी में क्या हुआ आपके पास? इसमें लिंक कुछ भी डाल दे. एनी में कुछ भी डाल दे मैडम. एनी में कुछ भी डाल दे इतराज नहीं करेगा. नंबर भी आएगा स्ट्रिंग भी आएगा बुलियन भी आएगा कुछ भी आएगा. कुछ भी ऐसे ही है ना. आज क्या खाना बनाए? कुछ भी. कुछ भी मैं. तो अपने घर में क्या बोलेंगे? एनी. एनी है ना. अम्मी पूछी क्या बनाऊं खाने में तो आप बोलेंगे एनी. वो किसी और का नाम समझ के मारे ना.
कोई और ये नहीं समझ के मांगे, वो कोई और ये नहीं समझे, तो आप लोग देख लें हम आप लोग कैसे बैलेंस करते हैं इसके बाद। ठीक है, समझ आ रही है? आप ये आगे चले, कमेंट्स कौन बताया कमेंट्स के बारे में? कमेंट्स इन कोड, कमेंट्स मैडम, हम हर कोड के बाद डबल स्लैश करके कमेंट्स लिखते हैं कि हमें पता चले कि हमने क्या डेटा जो है ना वो काम किया हुआ। हाँ, डबल स्लैश करके कमेंट लिखते हैं ना। अब देखिए, बाद में सुबह जब मेरे साथ सर अनस पढ़ा रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत सी एग्जांपल दी थी कमेंट्स के बारे में। आप कभी कोई वीडियो देखने जाते हैं यूट्यूब पे, सबसे पहले क्या खोलते हैं उसके? कमेंट्स खोलते हैं। तो अगर आपको कमेंट्स में मिलता है वाह भाई वाह क्या वीडियो है, वाह भाई वाह ये, वाह भाई वाह वो, तो फिर आप क्या करते हैं, बोलते चलो देख लेते हैं इसको, हो सकता है हमारे पॉसिबल हो जाए। ऐसा है या नहीं है? यस मैम, ऐसा है। तो आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं आप लोग पैसे खर्च करके, तो पहले रिव्यूज देखते हैं उसके? यस, कमेंट्स है ना, रिव्यूज आपके देखते हैं कैसी मूवी है, अच्छा जी बेकार है, कौन सी थी, माला शेट, मौला जट में, मौला जट थी पाकिस्तानी मूवी। यस मैम, पहले आपने रिव्यूज देख लिए उसके, कैसी मूवी कैसी है, आपको रिव्यू अच्छे मिले तो आपने कहा चलो भाई देख लो चल के पैसे इन्वेस्ट कर लेते हैं, रिव्यूज बेकार तो आप क्या करेंगे, देखेंगे? नो मैम, वेट करेंगे उसका यूट्यूब पर आने का, है ना? तो जो है इससे कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, ठीक है? अब बीइंग अ डेवलपर आपने जो है, मैंने असाइनमेंट आपको बना के दिखाया था, तो मैंने कमेंट्स लिए हुए सारे, कमेंट्स लिखने से क्या होता है कि वो चीज ना आपको मेमोराइज हो जाती है, आपके अलावा अगर कोई दूसरा बंदा आपको देखेगा ना, आपका कोड कॉपी करेगा अपने पास और क्लोन करेगा गिटहब से या देखेगा आपका कोड, समझ में आ जाएगा उसको कि अब आपने यहाँ पे क्या काम किया, अब आपने यहाँ पे क्या काम किया। तो कमेंट्स हमारे लिए होते हैं कि वो इनविजिबल होते हैं आपके, ठीक है? बाजों का हम दो तरह से हम कोडिंग कर रहे होते हैं, तो हम एक कोडिंग कमेंट आउट कर देते हैं कि बाद में अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको कमेंट कर लेंगे, मतलब ओपन कर लेंगे, वरना से कमेंट आउट रहने देंगे, सही है? तो कमेंट्स क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कमेंट्स किस तरह किए जाते हैं, कौन सी चीज यूज करती है? डबल स्लैश, आप लोग डबल स्लैश लिखते हैं जाकर वहाँ पे, कंट्रोल और स्लैश क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नो मैम, कमेंट्स यूज करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल और स्लैश मार्क करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पूरी लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? जैसे ये मुझे चार पांच लाइने मेरे पास पर लाइन सेलेक्ट करके, सेलेक्ट करने के बाद क्या करूँ, कंट्रोल प्रेस करूंगी, कंट्रोल प्रेस करने के बाद क्या प्रेस करूंगी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, तो मेरी सारी लाइन हो जाएगी कमेंट आउट, ठीक है? यानी वो सिर्फ मुझे दिखेगी, आप लोगों नहीं दिखेगी, ठीक है? यहाँ पे जो सवाल है अभी तक जितना बड़ा अभी तक हमने, जी बेटा, दीज कमेंट्स आर इग्नोर बाय द कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर। एनी सर डेटा इस तरीके से है कि आपने अगर एक ही जगह पे यूजर नेम में, फॉर एग्जाम्पल, यूजर नेम के अलावा अगर पासवर्ड देख लें, या कोई भी सर एग्जाम्पल ले जहाँ पे आपको स्ट्रिंग भी यूज करने और आपको नंबर भी यूज करने, आगे जब आप जाएंगे ना फर्दर उसके अंदर उसमें स्लाइड्स में, तो उसमें दिया हुआ है आपके, देखिए आपने यूजर नेम में लिखा अपना फर्स्ट नेम, लिखा आपने अपना नाम, ठीक है? और सेकेंड नेम में आपने अपना लिख दिया कि न्यूमेरिक कुछ लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अब आपको कॉन्केटिनेट करना है, यानी एक में आपने स्ट्रिंग दे दिया, एक में आपने नंबर दे दिया, और आपको इन दोनों कॉन्केटिनेट करना है। जैसे कि आपका यूजर नेम होता है ना फहाद 1, 2, 3, गिटहब पे भी संगे होंगे, नंबर के साथ होंगे आपके, जब कॉन्केटिनेट करना होगा ना आपको, तो आप उसमें कौन सी वो लगाएंगे, टाइप लगाएंगे, आप एनी लगा देंगे, ताकि आप फिर उसके भी वेरिएबल को स्टोर कर सकेंगे फुल नेम में और नंबर को भी स्टोर कर सकेंगे एक साथ, तो दोनों एक साथ वैल्यू कॉन्केटिनेट होकर आ जाएगी आपके पास, तो वहां पर एनी लगा देंगे कि यहाँ पे ये भी चलेगा और यहाँ पे ये भी चलेगा, ठीक है? आगे स्लाइड में हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, आगे चले। अच्छा ये देखिए कमेंट आउट हुआ हुआ, ये चीज ग्रीन में आ गए, मीन से क्या हुआ है, कमेंट आउट, कमेंट ले रहे, कमेंट आउट हुआ उसका। अब आप टाइम टाइप इन्फ्लुएंस पड़ेगी, पढ़ चुके थे आप लोग, लेकिन फिर भी हम रिवीजन करेंगे इसका। टाइम इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये इसके अलावा एग्जाम्पल होता है, क्या होता है, खुद पकड़ लेते हैं, बता दे क्या चीज है, ऐसे ही अगर मैंने लिखा यूजर नेम और वर्ड कॉपी में हिना लिख दिया तो वो क्या समझेगा, टाइम अगर मैंने लिखा यूजर नेम 1, 2, 3, 4, 5 तो क्या समझेगा, बोले। अगर मैंने लिखा यूजर नेम के बाद मैंने दोनों टाइम लिख दी उसके अंदर तो क्या करेगा, एनी टाइप, कॉपी में एनी भी यूज कर सकती हूँ और सॉरी स्ट्रिंग भी यूज कर सकती हूँ और नंबर बुलियन भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, ठीक है? कौन मुझे एग्जाम्पल बताएगा, इसकी पढ़ते जल्दी से एक्सप्लेन करो खड़े होकर फटाफट,
स्ट्रॉन्गली टाइप और टाइप इन्फ्लुएंस की एग्जांपल कौन मुझे बताएगा खड़े हो गए यहाँ पे बताइए बाव आज गुण बताइए स्ट्रॉन्गली टाइप में ऐसा है कि हम स्ट्रिंग में ऐसे डिक्लेयर कर देते हैं जैसे लेट ए इक्वल्स टू हमने स्ट्रिंग कर दी और इक्वल्स टू पाकिस्तान कर दिया तो इसमें डबल कोट्स में हमने खुद लगाया है और उसमें स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया है और नंबर में जो है वो नंबर हमने 9 डिक्लेयर किया और बुलियन जो हमारे ट्रू फॉल्स होते हैं वो हमने डिक्लेयर किए इधर और नीचे जो हमने टाइप इन्फ्रेंस बताया उसमें जो है वो खुद जो है ऑटोमेटिक उसको समझ में आ जाता है कि ये जो हमने एफ में लिखा हुआ है वो नंबर लिखा हुआ है और वो डबल कोट्स में लगाया हुआ है यूएसए तो वो हमारा जो है स्ट्रिंग है और जी जो अगर हम इधर ट्रू लगा लें या फोर्स लगा लें तो वो बुलियन है सही यस मैम कुछ नहीं कीड़े निकालते हैं कुछ थोड़े बहुत नहीं मिताली और बजाएगा देखिए बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं खड़ों की बात करने तो आप लोगों ने सबने खड़ा होकर बात करनी है अब वेरिएबल एडवांस आ जाते हैं वेरिएबल एडवांस में क्या चीज है हमारे पास अलग कुछ के दो इठांगा वेरिएबल्स वेरिएबल एडवांस में क्या आएगा हमारे पास कुछ तो कॉन्स्ट और लेट पढ़ लिया था ऑलमोस्ट यस मैम ब्लॉक स्कोप क्या होता है ये ब्लॉक स्कोप कॉन्स एंड लेट नॉट नॉन प्रोग्रामिंग कंसीडर टू सेंसिटिव इन्वॉल्विंग मनी इन योर वॉलेट रोकड़ कर्ली बेसिस में जो भी चीज आएगी हमारे पास वो क्या कहलाएगी ब्लॉक स्कोप कहलाएगी उसके बाहर वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है कैलिब्रेटेड ब्लॉक है ना अगर मैंने कंसोल डॉट ब्लॉक करके दे दी मैंने स्पेस कैम शे के मैंने करे ब्रैकेट ब्लॉक किया अनडिफाइंड देगा ना मैं व्हाइल यूज करूंगी और अगर मैं लेट यूज करूंगी तो क्या कहेगा पहले इनिशियलाइज करो यानी कि पहले वेरिएबल डिक्लेअर करो उसके बाद प्रिंट करवाएं आप लेकिन वेरिएबल वार में ऐसा नहीं होता वार में अगर आप पहले कंसोल कर देंगे ना अनडिफाइंड दे देगा आपको तो ये भी एक बड़ा मसला था वार के साथ की वो पहले से ग्लोबली इनिशियलाइज हो रहा था ठीक है तो आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया है ये लिखा हुआ इन टाइप स्क्रिप्ट कौन सा लेट इन टाइप स्क्रिप्ट वेरिएबल विद द टाइप स्क्रिप्ट लेट द मल्टीप्लिकेटिव एंड स्कोप स्कोप ये वाला स्कोप नहीं है क्या आप बहुत आगे जाएंगे डिफरेंशिएट इन देयर मल्टीप्लिकेटिव एंड स्कोप ठीक है म्यूटेबिलिटी क्या होती है एक होता है इम्यूटेबल और होता है म्यूटेबल तो लेट जो है वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है लेट म्यूट अनम्यूटेबल और कॉन्स्ट क्या है कॉन्स म्यूटेबल होगा क्यों म्यूटेबल है कॉन्स्ट क्योंकि उसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते सर लॉस की वैल्यू रीसाइज हो जाए वेरिएबल रीडिक्लेअर हो सकता है यस मैम ठीक है ये कुछ ऐसी बातें जो आपने हमेशा याद रखनी है जिंदगी में आप ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी गई है लेट और कॉन्स्ट की ठीक है करंट बैलेंस आपका चेंज होता रहेगा ऐसा ही है ना अभी अगर अकाउंट में 1,00,000 रुपए होगा फर्स्ट सैलरी जब आपकी आई होगी या 50,000 रुपए होंगे 15 दिन बाद कितने होंगे 50,000 उधार मांगे वही होंगे जो उधार मांगे होंगे है ना खत्म तो ये है कि जो आपकी फर्स्ट डे की सैलरी है वो डिफरेंट होगी और 15 दिन वाली बाकी सैलरी आपकी डिफरेंट होगी बट अगर आप प्रोग्रामर बन जाते हैं आप एआई में स्पोर्ट में अच्छे बन जाते हैं तो जो आपकी पहले सैलरी होगी उस डबल 15 दिन बाद सैलरी होगी इंशाल्लाह मैडम इंशाल्लाह आपको डिपेंडेंट ना करें सैलरी हद तक महदूद ना रखें सैलरी से बाहर निकले इंशाल्लाह तो करंट बैलेंस हमारा क्या हुआ वो चेंज होता रहता है तो वो हमने लेट में कर दिया लेट में करंट बैलेंस हमारा वेरिएबल सेम रहेगा नहीं वेरिएबल रीडिक्लेयर नहीं कर रहे लेकिन हम उसकी वैल्यू को रीसाइन कर रहे हैं कर रहे ठीक है वैल्यू चेंज होती है 100, 200, 300 जबकि जो अकाउंट नंबर है उसके लिए हमने कॉस्ट लिखा है क्यों क्योंकि अगर बैंक अकाउंट नंबर है आपको तो चेंज होता रहता है हर महीने नो मैम एक ही दफा होगा ना आपका सबके अकाउंट है बैंक में यस मैम अच्छी बात जैसे आपका रोल नंबर हो गया आपका आईडी कार्ड के ऊपर तो वो भी जो है इम्यूटेबल है ना एक दफा रोल नंबर साइन कर दिया तो कर दिया आपका नाम भी फॉर एग्जांपल आपका नाम है और आपकी डिटेल है तो वो क्या होंगी सारी इम्यूटेबल होगी कि चेंज नहीं होगी ऐसा नहीं आज आप अपना नाम सवा रखा तो आपने कहा नहीं है सवा समझ में नहीं आ रहा सवा रख लेते हैं इट्स नॉट पॉसिबल तो ये क्या कर रहा है आपको जो आपका कॉन्स्ट क्या कर रहा है आपको वो तो आपका सेम रह गया ठीक है रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा लेकिन जो आपका करंट बैलेंस है वो क्या हो गया 100 के बाद चेंज होता रहा ठीक है क्योंकि 50 रुपए का लोड भेजते हो सभा को आप लोगों ने सभा ही कुछ लोड भेजा करते थे यस मैम ये सभा बड़ी मशहूर हो गई है पकड़ी गई थी है अभी भेजते हैं नहीं मैडम अब तो पकड़ी गई बेचारी पकड़ी गई लौटा दे मैं यार छोड़े यार क्या हो गया
दिल खुश होता था अब मैडम हजारों के पैकेज होते हैं ये किसको दुखे वैसे बताना 500 वाला कौन है वो आप है अच्छा भेजे नंबर भी आता है यानी कि एडवांस हो गई सभा पचास अब आपका एडिशनल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आ गया एडिशनल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती है अनडिफाइंड कौन सा वाला नल वो पानी वाला मैं पानी वाला क्या बात है यही यूपी थे मुझे आपको जिसमें जो वैल्यू ना हो उसे कहते हैं नल ठीक है किचन वाला नल नहीं है ये और अनडिफाइंड हो गया नल हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट कौन सा टाइप है ये ऑब्जेक्ट है उसमें स्लाइड में तो नहीं और अननोन हो गई और बिगिन शाबाश और सिंबल गुड और अननोन हो गई कौन सी कह रहे हो नन नन बोल रहे नॉट अ नंबर ना हाँ पहले पढ़ते हैं हमारे पास सबसे पहले कौन सी आई है आपकी टाइप आप लोग बताइए क्या पढ़ा आपने वो समझ आया क्या लिखे अनडिफाइंड में क्या होता है के वैल्यू जो है रीअसाइन नहीं होती सही बताया इन्होंने ऐसे नंबर जिसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई भी हो और वो इनिशियलाइज ना हो क्या आएगा आपके पास हमने कंसोल डॉट लॉग करके प्रिंट करवा दिया था वेरिएबल और फिर वेरिएबल को हमने बाद में असाइन किया था वैल्यूज की तो क्या आया था हमारे पास अनडिफाइंड तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनडिफाइंड ठीक है आगे चले यस मैम अनडिफाइंड की बात क्या है अननोन अननोन में क्या होता है इसमें यूज फॉर वेरिएबल वेयर द टाइप इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ द राइटिंग द कोड It's a safer alternative to any as it required the type to be determined before it can be placed. क्या समझ आएगा नोन के बारे में? Any का variable, any type, any का. समझ आ गया आप लोग? Yes. क्या मतलब जो चीज आप लोगों को पता नहीं हो ना कुछ भी तो अननोन में भी क्या होता है? पता नहीं कौन है. जैसे होता है ना अननोन नंबर से कॉल आ गई. कौन कॉल बैक करेंगे? पूछने के लिए भाई किसके अननोन नंबर से कॉल आई कॉल है शायद कोई कॉल को इंटरव्यू कॉल ना हुई जॉब वालों को यही बस तो होगा ना शायद सब बना का इंटरव्यू से कॉल आई हुई किसी के तो कौन कॉल बैक है ये पूछ जाता है कौन है अननोन ये से पता नहीं हो कि टाइप कौन सी यूज हो रही तो क्या कहलाएंगी अननोन अननोन सॉरी बहुत अच्छा अपनी बात बोली अल्टरनेटिव टू एनी आगे चलते बैकएंड बैकएंड क्या होता है ये A data type that can store numbers larger than maximum limit for the number type. It allows representative a very large integrates. क्या करते हैं बिगिन क्या करता है ये डेटा बड़े लार्ज तादाद में डेटा सेव करता है नंबर नंबर ठीक है इंट जो है वो इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म बिग इंट यानी कि बड़े नंबर्स यानी कि जिनकी लार्ज नंबर ज्यादा होते हैं वो यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं ठीक है वो कहाँ स्टोर रहते हैं आपके बिगिन सिंबल सिंबल में क्या होता है आपके पास A unique that ultimative primitive value that can be used the key of an object property. Symbols are often used to add unique property keys to any object. A unique data primitive value that can be used. जैसे symbols are often add use unique प्रॉपर्टी कीज सिंबल से क्या लिया देना इस चीज
बात तो सही है वैसे आपकी, सिंबल में क्या होता है? कौन बता रहे मुझे ये? हाँ बताइए, यूनिवर्सल। अच्छा तो सिंबल में आप क्या करते हैं, सेम लेते हैं वैल्यूज, ठीक है। और कौन बताएगा सिंबल के बारे में? सेम वैल्यू के हैं, मैं यूनिक सिंबल मल्टीपल पैरामीटर वैल्यू। अब सब खामोश है। यूनिक प्रॉपर्टी ऐड करता है, जैसे कि पासवर्ड अगर आप लिखते हैं तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बना के पासवर्ड क्या कहता है, आप क्या यूज करें इसमें? सिंबल, सिंबल कैरेक्टर्स आप ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। यूनिक कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? डॉलर हो गया, डॉलर एट द रेट हो गया, अंडर साइन हो गया, ये सारे सिंबल्स भी क्या होते हैं? आपके यूनिक कैरेक्टर्स के कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नल। नल क्या करते हैं भाई? रिप्रेजेंट द इनिशियल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। वैल्यू होती है, वैल्यू नहीं होती, क्या कहलाता है वो? एरर, तो एक तो देता है एरर आपका, एरर, ठीक है। सम टाइम एरर ऐसे होते हैं जहाँ पे नल शो करता है, जावास्क्रिप्ट भी घूम जाता है जब आपकी कोडिंग से, वो नल बता रहा था कि नल है, ऐसे ही है ना, ठीक है। सॉरी, नल और अनडिफाइंड जमीन आसमान का फर्क है। देखिए अनडिफाइंड आपने क्या किया, वैल्यू को बाद में डिफाइन कर देते हैं आप ना, जैसे कंसोल आपने पहले करवा दिया, वेरिएबल आपने दिया नहीं तो अनडिफाइंड हो गया, लेकिन वो चीज उसको पता है कि वो आएगी आपके पास, क्योंकि आपने वेरिएबल बता दिया उसके अंदर ना, पहले से आप वेरिएबल बताते हो लेकिन वैल्यू साइन नहीं करे हो, तो इसमें ना वैल्यू है ना वेरिएबल है, तो क्या हो गया, नल हो गया, ठीक है।